हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। आज हम बचे हुए चावल से नाश्ता बनाएंगे, जिसको आप स्नैक भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास ये 1.5 कप के करीब चावल हैं, जो बचे हुए चावल थे। बॉयल चावल हैं और 1/2 कप सूजी और 1 कप हमने घर का दही लिया है। अब हम सबसे पहले मिक्सर जार के अंदर चावलों को और दही को डाल के इसको एक पेस्ट बना लेंगे। पहले हम 1/2 चावल डालेंगे। जितने चावल इसमें आ सकते हैं आसानी से आप उतने डालें, अगर 2 बार आते हैं तो 2 बार डाल लें। और 1/2 कप के करीब दही अब भी डाल देंगे, 1/2 फिर बाद में सूजी में डाल के। अब हम इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी और चावल की ये पेस्ट बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको मिक्स कर लें। इस तरह की हमें गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ 1 कप दही डाला है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हमने ये तैयारी कर ली। इसके अंदर डालने के लिए 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कद्दूकस कर लिया है। 1 नींबू, 1 बड़ा प्याज चॉप कर लिया इसको बारीक बारीक। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता को भी हमने धो के इसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च, जिसको हमने चॉप कर लिया है। और ये मूंगफली है, जिसको रोस्ट करके हमने दरदरा कूट लिया है। ये 2 टेबलस्पून के करीब मूंगफली है। और इसके अंदर मसाले डालने के लिए 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सरसों के दाने और 1/2 चम्मच धनिया। पंद्रह मिनट हो गए हैं। ये हमारी सूजी और चावलों की जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च, अदरक और मूंगफली जो दरदरी पीसी हुई थी रोस्ट करके, उसको भी हम डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को हमने काट लिया है बारीक बारीक। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले डाल देंगे और जो कड़ी पत्ता बचा के रखा था उसको भी हम डाल देंगे इसमें। और इस सारे मसालों को और प्याज, शिमला मिर्च सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह मिक्स कर लें सारे मसाले को। और जो हमने प्याज और शिमला मिर्च डाली है, जब वो मिक्स हो जाए तो हमने जो 1 नींबू रखा था उसका रस निकाल लेंगे और उसको भी इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बढ़िया आ जाता है। और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम एक अप्पे स्टैंड लेंगे और गैस ऑन करेंगे और उसको गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए। और उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ब्रश के साथ आप थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लें। ये बहुत कम तेल के अंदर नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनता है। अब हम पहले इसको 5-10 मिनट प्री हीट कर लें, उसके बाद इसकी ऑयलिंग करें। और अब 1-1 चम्मच इसके अंदर जो बैटर तैयार किया हमने वो डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरें, सबके अंदर आप 1-1 चम्मच के करीब इसमें डाल दें। और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख के इसको 10-12 मिनट के लिए पका लें। इसको ढक के 10-12 मिनट के लिए
पका लें ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे और साइड से देखिए आपको दिखना शुरू हो गया, साइड से ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया, तब हम इसको चम्मच की सहायता से या फॉर्क से इसको पलट लेंगे, जिससे आप आराम से पलट सकें। चम्मच से आराम से पलट जाता है। इस तरह से इनको सबको पलट के देख लें। ये देखिए कितने अच्छे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से सारे अप्पे जो है हम इस तरह से पलट लेंगे और इसको फिर 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। बीच वाले जो हैं वो थोड़ा जल्दी पक जाते हैं और उनको थोड़ा आप बीच में हिलाते रहें। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब दोबारा जो है ये जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये गर्म हो गया अच्छी तरह से। और ये देखिए बीच वाले जो हैं हमारे पक गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। बहुत बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए पक गया। अब इसको हम इस तरह से सारे निकालते जाएंगे। बाकी के भी हम सारे अप्पे इसी तरह से बना लेंगे और जो बीच में अगर खाली होते हैं बीच बीच में हम डालते जाएंगे और बैटर, ताकि वो जो है जल्दी बनते जाएंगे, जरा टाइम सेव हो जाता है। आप इसको टोमेटो सॉस, हरी चटनी या फिर नारियल की चटनी किसी के साथ भी इसको खाएं, आपको ये बहुत स्वाद लगेंगे। आप इसको ज़रूर बनाएं और फिर खा के मुझे बताएं, अपने कमेंट्स शेयर करें आपको कैसे लगा। ये देखिए ये हमारा चावल और सूजी का नाश्ता बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।